और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के संसद में भाषण का हिस्सा हटाया गया, हिंसक हिंदू कहने वाला बयान संसद की कार्यवाही से हटाया गया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के लिए कही गई लाइन को भी हटाया गया है। बड़ी जानकारी, राहुल के भाषण का एक हिस्सा हटाया गया, राहुल के भाषण का वो अंश जिसमें हिंदू हिंसा ये कहा गया था, उस बयान को हटा दिया गया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर के बड़ा सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। बीजेपी लगातार उन्हें निशाने पर ले रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है और इसको लेकर के अब सदन की कार्यवाही से भी राहुल गांधी के भाषण का अंश हटाया गया है। कल राहुल गांधी ने सदन के अंदर जवाब पेश किया था, इस बीच सरकार पर कई सवाल भी दागे थे, निशाना साधा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे और कल राहुल गांधी के द्वारा किए गए बयान को ही वो इसको लेकर अपना जवाब पेश कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि राहुल के हिंसा हिंदू वाले बयान को हटा दिया गया है। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद से लगातार आक्रामक बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी के भाषण जो में से कुछ अंशों को हटाया गया और हिंदू हिंसा वाला जो अंश था उसे हटाया गया? बिल्कुल, देखिए आपत्तिजनक था। आप देखिए उस समय ही राजनाथ सिंह ने उस पे कहीं ना कहीं स्पीकर से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी बात ये कही जा रही है जो बेबुनियाद है और इस बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। उसी आधार पर राहुल गांधी ने जो हिंसा वाली बात कही है, हिंदू धर्म हिंदू हिंसा 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 नफरत 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 असत्य असत्य इस पूरे इस चीजों को हटाया गया है। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि साथ के साथ खड़े होना चाहिए, साथ से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तमाम जो बातें हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी ने कहा है उस पूरे चीज को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया। यही नहीं, अडानी और अंबानी का भी प्रतिक्रिया अभी तक आई है कांग्रेस की तरफ से, राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया है? नहीं, अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जरूर आएगी, तुरंत आएगी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया कि जानबूझ करके इन चीजों को हटाया गया, मैंने कोई गलत नहीं कहा। और राहुल गांधी आज सदन में रहने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी को आज जाना था सुल्तानपुर कोर्ट में, उनकी पेशी थी एंड पर्सनली उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने वहां से इजाजत ली है कि आज उनको पार्लियामेंट में रहना है। तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी इस पर अटैक करेगी कि जानबूझ कर उनकी बातों को हटाया जा रहा है सदन की कार्रवाई से। उन्होंने गलत नहीं बोला है, हालांकि ये सदन का और स्पीकर का विशेषाधिकार होता है कि वो किन चीजों को उनको लगता है कि सदन की कार्रवाई से हटाना चाहिए। जो आपने गलत बोला है, जो सदन की मर्यादा को उल्लंघन करता है, उस हिसाब से स्पीकर का ये फैसला होता है, स्पीकर ने इसको हटाया एक्सपंज किया है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जम करके हंगामा हुआ है। राहुल गांधी ने हिंदू समुदाय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को जमकर सियासी तीर चले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने हिंदू समाज को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ने हिंदुओं और भगवान शिव का अपमान किया है। जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। Z News.